आज मैं जन सरोकार मंच के इस बहुत ही खूबसूरत मंच पे आप सबों का स्वागत कर रही हूँ। सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी देवेंद्र सर का, जिन्होंने इस मंच पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया कि शाम मैं यहाँ उपस्थित हूँ अपनी कुछ कविताओं को लेकर। सबसे पहले मैं एक कविता सुना रही हूँ, फिर बातचीत भी करूंगी। कविता का शीर्षक है कभी का सुख। कितनी भी कविताएं क्यों ना लिख ली जाए, कितनी भी कविताएं क्यों ना लिख ली जाए, अगर एक पेड़ की भाषा कहने में असमर्थ है तो कविताएं अर्थ है। लाख लिखी जाए कविताएं पक्षियों के, अगर उनकी भाषा घोंसले में कैद है तो हम पे जिसे पढ़ने में असमर्थ वे तिल तिल मरते रहे। कविताओं से रोटी की महक की जगह रोटी ना मिले तो बैठती हुई कविताएं, गर कविताओं में भूख दर्ज है तो रोटी को भी होना होगा, गर इनमें शब्द है तो पेड़ पक्षियों की आवाजों को भी सुनना होगा। सारे कवि पहले प्रेमी थे, सबने अपनी पहली कविता पेन पे लिखी। पेन कलम की स्याही है, जिस दिन खत्म हो गया सारी कविताएं अधूरी छूट जाएंगी। कविताओं के शब्द पेड़ों की मौन भाषा, कविताओं के शब्द पेड़ों की मौन भाषा है, पक्षियों के है उसकी चहचहाहट, पक्षियों की है उसकी चहचहाहट, है प्रेमियों का दुख और कवि का सुख है। प्रेमियों का दुख और कवि का सुख है यह। अब मैं एक छोटा सा गद्य सुनाती हूँ जिसमें आप डायरी नुमा कह सकते हैं, कविता की प्यारी, जिसका शीर्षक मैंने लिया है पाब्लो नेरुदा की पंक्ति। प्रेम कितना क्षणिक है लेकिन भूलना कितना देर। बसंत, बारिश का मौसम है, रिमझिम बारिशों के बीच मैं गमले के पास बैठूं, फूलों को चूमती हूँ, पत्तों को सहलाती हूँ, गोधूली बेला है, पंछी अपने अपने घर लौट रहे हैं, मैं हाथ फैलाती हूँ, दो चार बूंद मेरी हथेलियों में समा जाती, खुशी के मारे झूमती हूँ, फूल मुझे देख मुस्कुराता, मैं सोचती हूँ काश मेरे साथ कोई होता और होता जो मेरी खुशी कहता, उस पल कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम। हम पेन को भी कहां कैद कर पाते, सच तो यह है सबसे खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, बस स्मृतियां बनकर रह जाती है। यह स्मृति दाग की तरह होती है जो जीवन भर नहीं धुलती, फिर भी दाग अच्छे हैं। कितनी बातें सोचती हूँ, ये बारिश प्रेम के दिनों की याद क्यों दिलाती है, बारिश और प्रेम में क्या रिश्ता है, क्या ये बारिश इसलिए होती है कि प्रेमियों की प्रेमी मन भर रो सके और किसी को पता ना चले, क्या ईश्वर भी प्रेम करता है या उसी का आंसू है, मन प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं प्रेमी बारिश की बूंदों में अपना आंसू। प्रेम में रोना क्या होता है, या प्रेमी से भला कोई नहीं जानता जो तलाशते हैं अपने लिए कोना जहां रो सके, जो करते हैं इंतजार अपनी आंसुओं को विदा करने के लिए, जो करते हैं इंतजार एक बार नजर आ जाए बारिश के बाद। शायद प्रेम इंतजार का ही दूसरा नाम है, लेकिन प्रेम है क्या एक दूसरे के प्रति आकर्षण,
प्रेम की कोई तयशुदा परिभाषा नहीं होती, फिर भी स्नेह सम्मान यह सब तो उसी का एक अंग है। यह सोचते सोचते मैं अपनी दुनिया में लौट आती हूँ। अरे यह क्या क्या सोच रही थी, अपने दिमाग पर जोर का झटका देकर सोचती हूँ जैसे खुद की चोरी पकड़ी गई है। मैं कमरे में आती हूँ, डायरी पलटती हूँ, सोचती हूँ कुछ लिखूं, लेकिन दिल पढ़ने को करती हूँ। अपना ही खत खोल कर बैठ जाती, कहने से दुख कम होता है। सोचिए मैं पत्थर कैसे न होती, इन पंक्तियों पर नजर पड़ते ही मैं अपनी डायरी बंद करती, साथ साथ अपने बीते हुए दिनों को भी, और डूब जाती हूँ अपने प्रिय कवि पाब्लो नेरुदा की रचना संसार में। उनकी कविताएं पढ़ते हुए मुझे फिर से प्रेम हो जाता, उनकी कविताएं पढ़ते हुए मुझे फिर से प्रेम हो जाता, जिनसे अब तक करती आई। सही कहा है, प्रेम कितना क्षणिक है और भूलना कितना। अब मैं अपनी कविता पे आती हूँ। एक कविता है जिसका शीर्षक है दुख खिले हुए गुलाब में लिपटा हुआ एक जहरीला सांप है। मेरी कविताएं मूलतः दुख प्रेम वियोग स्त्रीवादी कैंसर। तो मैं इस कविता को पढ़ना चाहूंगी। दुख खिले हुए गुलाब में लिपटा हुआ एक जहरीला सांप है। उनसे दूर हो जाने का ख्याल आते हुए मैं बाबली और अधिक प्रेम कर बैठ। जब सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाना था मुझे, मैं दुख के भी हर रास्ते पर चलने को बेताब हो गई। तुम दुख नहीं थे, दुख तो था तुम्हारे साथ वक्त बिताने की ख्वाहिश। कहते हैं जो ख्वाहिशें कभी पूरी ही ना हो, बेहतर होता है उन्हें भुला देना। मैं प्रेम में जितनी बन दुखों के अंगारों पर चलती रही, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना प्रेम खत्म हुआ और ना ही उसका दुख। प्रेम हरी धूप है, प्रेम हरी धूप है जिसका दुख है कोमल पांव से कुचला जाना, और दुख खिले हुए गुलाब में लिपटा हुआ जहरीला सा। आंखों के समंदर में जो ढूंढे कोई सीप के मोती, वह प्रेमी नहीं पागल है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, काश हम समझ लेते पागलों को प्रेम। कम से कम प्रेमियों की गुनाहगार होने की फहरिस्त में शरीक तो ना होते। कहते हैं प्रेम सुख देता है, दुख की नदी में दुख की मछली रहती है क्या। कहते हैं प्रेम सुख देता है, दुख की नदी में सुख की मछली रहती है क्या। यह प्रश्न है मेरा प्रेमियों से। मैंने बहते आंसुओं में बनती देखी एक तस्वीर टूटती बिखरती, जो बदल जाती है एक दिन नमक में। मैंने बहुत करीब से चखा उस नमक को, और मेरी जुबान बेस्वाद हो गई। जीवन में इतने दुख कम थे क्या, जो ना चाहते हुए भी एक और दुख मेरी जीवा के गर्भ से पैदा हुआ। मेरे बेस्वाद हुए सुख अब मैं अपने दुखों के लिए क्या मांगू, मेरे बेस्वाद हुए सुख मैं अपने दुखों के लिए क्या मांगू। एक रात की बारिश, बिछे हुए प्रेमी से मुलाकात, या फिर एक अधूरी छूटी हुई कविता को पूरी कर लेने पड़ती है। मेरे बेस्वाद हुए सुख अब अपने दुखों के लिए क्या मांगू, एक रात की बारिश, बिछे हुए प्रेम की मुलाकात, या फिर एक अधूरी छूटी हुई कविता को पूरी कर लेने पड़ती है। अब मैं एक कविता सुनाऊंगी जिसे मैंने सिल्विया प्लाथ को पढ़ते हुए लिखा। बहुत पहले जब मैं सिल्विया प्लाथ को पढ़ रही थी, पता नहीं क्यों मुझे अपनी सी लगी। मुझे उनकी हर कहानी, हर कविताएं मुझे मिलती नहीं,
उसने जीवन सुनाई दी। सिल्विया को पढ़ते हुए मैंने लिखा है, मृत्यु एक है पर जाने के रास्ते अनेक। मैंने उनको पढ़ने के बाद गद और काव्य दोनों, यह है उनकी कविता, उनको पढ़ने के बाद मेरी कविता। मेरी प्रिय तुम्हारे, मृत्यु एक है पर जाने के रास्ते अनेक। जब कभी मृत्यु के बारे में सोचती हूँ, जब कभी मृत्यु के बारे में सोचती हूँ, याद आती है उबाऊ हो चुके जीवन से मुक्ति चाहती हूँ, पर आत्महत्या के रास्ते नहीं जाना चाहती। उबाऊ हो चुके जीवन से मुक्ति चाहती हूँ, पर आत्महत्या के रास्ते नहीं जाना चाहती। मेरे फोन के गैलरी में तुम्हारी कई तस्वीरें हैं, जिसे जुम करते हुए खुद से मिलान करती। आज से तकरीबन कई साल पहले मेरी प्यारे टीचर ने मुझसे कहा था, यू लुक लाइक सिल्विया क्लार्क। तब मेरे लिखने के शुरुआती दिन थे। आज जब आधी रात को तुम्हारी कविता गहरे अवतार में पढ़ रही हूँ, आज जब आधी रात को तुम्हारी कविता गहरे अवतार में पढ़ रही हूँ, मेरी उदासी थोड़ी कम हो गई। आखिरकार सत्य ही कहा गया है, लोहा ही लोहे को काटता है। मैं किस मुंह से कहूं, अब और नहीं जीना चाहती। मेरे पिता तुम्हारे पिता से बिल्कुल अलग है। तीन है तीन, जिन्हें ना गर्म होते वक्त लगता है ना ठंडा होते। मेरे अब तक के बचे होने के गर्मान सूत्र हैं। मैं चाहती हूँ मेरी मौत इसी वक्त आधी रात को मेरे पास आए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई। सहलाते हुए प्रेम से बोराई बोतों की बरसात मेरे ठंडे हो चुके गाल पे दे, और क्षितिज के पार इस अनोखी दुनिया में ले चले। जहां मिले दुख सुख सब कुछ, पर जीवन का यह अभिशाप नहीं। जहां मिले दुख सुख सब कुछ, पर जीवन का यह अभिशाप नहीं। तुम्हें क्या कहूँ सिल्विया, तुम कायर थी या थी लोहे से मजबूत। तुम कायर नहीं थी, अवतार मनुष्यों को कायर बना देते हैं। फिर भी मेरी भरसक कोशिश रहेगी, मैं उस तक ना जाऊं वह मुझ तक आए। मैं उसके नाम का माला जप सकती हूँ, पर आत्महत्या के रास्ते पवित्र मंदिर को लांग नहीं सकती। मैं उसके नाम का माला जप सकती हूँ, पर आत्महत्या के रास्ते उस पवित्र मंदिर को लांग नहीं सकती। मैंने जीने के लिए संघर्ष किए हैं, मृत्यु के लिए उससे भी अधिक करूँगी। मैंने जीने के लिए संघर्ष किए हैं, मृत्यु के लिए उससे भी अधिक करूँगी। मैं मरूंगी पर तुम्हारी तरह नहीं, शिव की तरह। मैं मरूंगी पर तुम्हारी तरह नहीं, शिव की तरह। जो बन रुकते जो भी मर्दा, फूल बने या तारा। जो बन रुकते जो भी मर्दा, फूल बने या तारा। जो बन रुकते आशिक मर्दे या कोई करने वाला। जो बन रुकते आशिक मर्दे या कोई करने वाला। आशा था जो बन रुकते मर्दा, आशा था जो बन रुकते मर्दा। सिल्विया मेरी प्रिय कवि, मृत्यु एक है पर जाने के रास्ते अनेक। सिल्विया मेरी प्रिय कवि, मृत्यु एक है पर जाने के रास्ते अनेक। अब अगली कविता जिसका शीर्षक है, मेरी मौत का वैज्ञानिक पता कला के पास है। मेरी मौत का वैज्ञानिक पता कला के पास। मैंने अपनी सारी कविताओं को टांग दी है जंग लगी खुटी पर। कविताओं में जंग नहीं, खुटी का जंग हटाना है मुझे। मैं नहीं चाहती कोई मेरा साथ दे, पर उनकी बाधाएं मुझे किस हद तक बांध सकेंगी।
मैं तो नदी हूँ, अपनी कविताओं में बहूंगी। मेरे शब्द जब अटक जाएंगे मछलियों के गलफड़े में, तब मेरे भाव तैरेंगे। मैं स्याही से नहीं, आंसुओं की बूंदों से लिखती हूँ। मैं किसी और के लिए नहीं, खुद के जीने के लिए। जब वसंत के उत्सव में मेरे जीवन का मौसम उदास होता है, मैं खिलना चाहती हूँ मैं कविताओं के रंग बिरंगे और लिखती हूँ। फूल एक शब्द है जिसका अर्थ है उसकी महक, जिसके भाव है प्रेमियों की नजर। मैं प्रेमिका बनना चाहती हूँ तितलियों, जिसके प्रेम में लिखूंगी दुनिया के सबसे खूबसूरत प्रेम पर। भौरों से सीखूंगी शहद बनाने की कला। मैं कला में डूब कर मरना चाहती हूँ, मेरी मौत का वैज्ञानिक पता कला के पास। अगर जीवन विज्ञान है तो कला उसका रहस्य, अगर जीवन विज्ञान है तो कला उसका रहस्य। अब मेरी एक और कविता है जिसका शीर्षक है लोहे का स्वाद। आप सभी ने एक पंक्ति सुनी होगी कवि धूमिल की, लोहे का स्वाद लोहार क्या जाने, घोड़े से पूछो जिसके मुंह लगाम लगा। तो मेरी यह कविता सुनिए। तमाम खत जो लिखे गए थे प्रेम पर, वे सब के सब दफना दिए गए। कैद के आखिरी दरवाजे बंद किए जा चुके हैं, कविताओं में अब चिड़ियां गाती नहीं रोती। चौखट और किवाड़ को जोड़े रखते हैं लोहे के पेंच, हम पेन से जुड़े थे, पेन लोहा, लोहा ही लोहे को काटता जैसे। कवि धूमिल ने सही कहा है, लोहे का स्वाद लोहार क्या जाने, घोड़े से पूछो जिसके मुंह लगाम लगा। मैं कहती हूँ कवि की कविताओं में मत देखो, देखना हो तो उसके जीवन में झांको जहाँ वो सिर्फ प्रेमी है। मैं कवि होने से पहले एक प्रेमी हूँ, मैं कवि होने से पहले एक प्रेमी हूँ, या कहते हुए मुझे खुद पर गर्व है। मेरे हिस्से प्रेम मेरे हिस्से आया खुद ही, उसके बनकर और क्या होता भला जीवन में। यह अलग है कि दुख पड़ोसी है उसका, अक्सर मिलते ही न्योत देता है उसे। यह अलग है कि दुख पड़ोसी है उसका, अक्सर मिलते ही न्योत देता है उसे। मुझे सुख ने दौड़ना सिखाया और दुख ने चलना, जीवन दौड़ते जाने का नाम नहीं, वो तो चलते जाना है आहिस्ते। यह सच है कि जीवन कितना भी बड़ा हो, हम सब दुखों से बोझ हैं, और प्रेम चाहे जितना भी अल्प अवधि हो, उससे मिले क्षण भर के सुख सारे दुखों के भरे। मैं करती रहूंगी प्रेम अपने आप की वक्त, मैं करती रहूंगी प्रेम अपने आप की वक्त, और अपने आंसुओं के नमक से कविताओं में स्वाद भरूं। मैं मरते हुए लिखूंगी कविता मेरे हलक में अटकी हुई आग की हिस्ट्री, मैं मरते हुए लिखूंगी कविता मेरे हलक में आग की हिस्ट्री। अगली कविता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कविता की एक लड़की की कहानी है। वह लिखती है अपनी डायरी में, वह लिखती है अपनी डायरी में, मुझे आगे और पढ़ना, अभी तो 12वीं ही पास की हूँ, मुझे खूब नाम कमाना है। 2 दिन बाद ही उसकी सगाई तय, 2 दिन बाद ही उसकी सगाई तय है, उसकी हथेलियों पे लिखा जा रहा है कंचाना नाम। सहेलियां चिढ़ाते हुए कहती, मेहंदी का लाल रंग गहरे प्रेम की निशानी है। वो भागना चाहती पर किस और पता नहीं, पर भागना चाहती। लाल रंग से कंचाने नाम से बनने वाले बंधन से वो खुले पिंजरे में बंद चिड़िया जिसे उड़ने की नहीं थी,
सहा लिया। प्रेम जिसके आंख कच्चे थे अभी, विवाह समझते कि फुर्सत कहाँ थी उसे। प्रेम कविताओं से रब्ता नहीं हुआ था उसका, कहानियों में ज्यादा नहीं, बस महादेवी जयशंकर। दिनकर उसके प्रिय थे पर उर्वशी का नाम तक नहीं सुना था। साइंस की होनहार विद्यार्थी थी, गणित के फॉर्मूलेशन सरस्वती की वाणी थी, न्यूटन के लॉ उसके जीवन के सिद्धांत थे। Every action has an equal and opposite reaction. Chemicals, emission को खूब पढ़ा था उसने, रंगों के साथ प्रयोग भी किया। संगीत से मुंह उसी दिन टूट गया जब औरतें गा रही थी उसके जीवन के सबसे बेसुरे गीत। वह कहती है बस करो बहुत हुआ, मैं गांव की हूँ पर जाहिल हूँ। माँ आंखें दिखाती है, पिता की आंखें खून से भरी लगती है। बुआ के मुंह से बदजात गालियां निकलती है, रिश्तेदार पाना खुशी का। संगीत शोर में बदलता है, वो माइक लेकर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो डोंट अंडरएस्टिमेट मी। आई हैव द एबिलिटी to change myself, let's start the first inning of the rebellion with myself. Let's start the first inning of the rebellion with myself. अब मेरी अगली कविता है जिसका मैंने शीर्षक कविता की, पता नहीं शीर्षक में मैं बहुत ही देर करती हूँ, कविताएं कभी लिखी जाती है शीर्षक में बाहर नहीं, कभी भी सोच समझ के लिखा। तो इस कविता का शीर्षक मैंने अब तक नहीं दिया, बिना शीर्षक की कविता। किसी की याद में पूरी रात रोने से कहीं बेहतर है एक अधूरी कविता लिखना, संभव है वो पूरी हो जाए। पर वह रात हमसे छीन लेती है आने वाली कई और रातों के लिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कई कई रातों जिनकी नींदें मैंने धो दी अपनी आंसुओं से। वो सपने जो टूट गए अधूरी राह में, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ उन सभी से जिन्हें मैंने रोक दिया अपने करीब आने से। उनका दूर हो जाना मेरी उम्र से कई सालों का घट जाना, था। सबसे अधिक मैं क्षमा चाहती हूँ टूटे हुए हृदय से, कि जोड़ने की ख्वाहिश ने दो भागों में बांट कर रख दिया। प्रेम गणित का जोड़ घटाओ नहीं समीकरण है, जिन पे रास्ते हैं असमानता है। आज की रात मैं लिखूंगी अधूरी प्रेम कविता, प्रेम का अपूर्ण रह जाना कई बार अधूरी कविताओं का पूरा हो जाना। मैं क्षमा चाहती हूँ इन सभी कवियों से जिन्हें पढ़ते हुए उनकी कुछ पंक्तियाँ औचक थी मेरी कविताओं में। रह गईं, इस तरह मेरी कविताएं हमेशा अधूरी, मेरा पूर्ण परिचय है मेरे संबंध में किसी और से नहीं मेरी कविताओं से बात। करना अचरज होगा जब मैं मिलूंगी अधूरी पंक्तियों में पूरी कविता के साथ। एक अगली कविता अपनी भाषा। मैंने पहला खत अपनी भाषा में लिखा, जब जब करी प्रार्थना अपनी भाषा में, सपने अपनी भाषा से इतर किसी और भाषा में नहीं देख सकते। मैं पढ़ने को पढ़ लेती हूँ एक से अधिक भाषाएं, मुझे पढ़ती है केवल मेरी एक भाषा। मेरी भाषा ने मुझे वह सब कुछ दी है जो नहीं दे सके मेरे अतीत बेटे ने। मेरे पिता ने भी नहीं समझी मेरी भाषा, माँ व्याकरण दोष दूर करते करते
मेरी भाषा से भी हो गई दूर गई। मैं उन सबसे कहती हूँ जो मुझे प्रेम करते हैं, मुझे समझने से पहले मेरी भाषा समझो। मेरी भाषा में मीठे पानी की एक नदी बहती है, उसमें उतरो, कुछ देर तक तैरो, हो सके तो किसी नाव के सहारे जा बैठो। जब तुम समझने लगोगे मेरी भाषा, मुझे समझते देर नहीं लगे, फिर देखना मेरी कविता के शब्द से अधिक उनके अर्थ हो सकता है। दुख शब्द प्रेम के प्रयोग, इसी में समझना मेरा शब्द। मुझे किसी ने प्रेम नहीं किया या मेरा दुख हो सकता, मैंने किसी को जी भर किया प्रेम या मेरा सुख। मेरी भाषा में शामिल है सुख का मतलब तेज से उपजा दुख का गान। मैं अपनी भाषा को पढ़ने से अधिक प्रेम किया है कि सुना है प्रेम हमेशा जिंदा रहता। प्रेम में नमक का होना एक सुंदर शय है, सारे प्रेमी नहीं हो पाते नमक, चींटियों का झुंड उन पर हमला करता। शुक्रिया, मेरी कविता सुनने के लिए, इस सुनाने को मौका देने के लिए। मैं कविता शुरू करते वक्त अपना परिचय नहीं दे सकी। मेरा नाम दिव्यश्री, मैं कविताएं लिखती हूँ, गद्य में थोड़ा बहुत कुछ कुछ लिख लेती हूँ। फिलहाल मैं पटना यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में मास्टर्स कर रही हूँ, कविताएं लिखती हूँ, यही परिचय। ये कविताएं लिखना शुरू प्रेम सब कुछ है, कविताओं के बिना अधूरी। एक आखिरी कविता जो प्रेम स्त्री कहते सब कुछ है, मैं सुना के इसे खत्म करना चाहूंगी। जीवन में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं, जीवन में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ से लौट नहीं सकते, ना ही बढ़ सकते हैं। जीवन में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ से लौट नहीं सकते, ना ही बढ़ सकते हैं। जीवन में ऐसे कई कई मोड़, जीवन में ऐसे कई कई मोड़ आए, जब देखती रह गई तो जितने लोगों ने हाथ पकड़ा, सुकून है कि उससे कम लोगों ने हाथ छोड़ा। जितने लोगों ने हाथ पकड़ा, सुकून है कि उससे कम लोगों ने हाथ छोड़ा। बात यहाँ करीब की है सुकून की। वो कौन सा मोड़ था जब सबसे अधिक पिए ने साथ छोड़ा, किसी याद में भूलने को भूला जा सकता है, इस पर पढ़ने में भूली जाती है। प्रेम पढ़ना और प्रेम करना दो विपरीत परिस्थिति हैं। समानता बस इतना है कि दोनों के दुख एक से। जीवन में उन कई स्त्रियों को पढ़ा जिन्होंने प्रेम पढ़ा ही नहीं लिखा भी नहीं। अमृता प्रीतम, कमला दास, प्रभाकिता। अमृता प्रीतम, कमला दास, प्रभाकिता। सबके जीवन में प्रेम था, सबका पुण्य किसी और, कईयों को प्रेम हुआ भी किसी तरह, पर सभी को इमरोज नहीं मिला जो संभलने को आगे कर देता अपना। तब कमला भी कहाँ बैठी कि उभार कर रख देती अपनी बीती हुई कहानी, प्रभा होने जितनी हिम्मत ही नहीं सबको, आखिर समाज के दर्पण में सबको जो आखिर समाज के दर्पण में सब कुछ जो दिखते थे, पहली बार 18 की उम्र में कही थी उनकी चीज अन्य से अलग। प्रेम धीरे से दस्तक दे चुका था तब, अब सोचती हूँ यह कितनी कितनी लड़कियों का जीवन। बस चुनाव सबके हिस्से नहीं आते, वह होगी फिर कोई प्रभा जो चुनेगी अपना रास्ता अपने अनुकूल। वह होगी फिर कोई तरह जो चुनेगी अपना रास्ता अपने अनुकूल। शुक्रिया।